आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना काल में 1 अप्रैल से आज तक 8,000 से अधिक महिलाओं की लेडी लॉयल में डिलीवरी कराई गई है। सीएमएस कंचन अग्रवाल का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोरोना संक्रमण के डर से महिलाओं को एडमिट नहीं कर रहे थे, वहीं लेडी लॉयल के चिकित्सकों ने जान की परवाह किए बगैर महिलाओं को एडमिट कर डिलीवरी कराई है। कोरोना काल में संक्रमण के डर से प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक मरीजों को भर्ती करने से डर रहे हैं, वहीं ऐसे हालातों में लेडी लॉयल में महिला और पुरुष चिकित्सकों ने जान की परवाह किए बगैर आने वाली महिलाओं को एडमिट कर डिलीवरी करा रहे हैं। सीएमएस कंचन अग्रवाल का कहना है कि 1 अप्रैल से आज तक 8,000 से अधिक महिलाओं की लेडी लॉयल में डिलीवरी कराई जा चुकी है। कोरोना काल में जो कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेके अब तक बहुत ज़्यादा डिलीवरी और सीजेरियन ऑपरेशन हुए हैं, जिस समय कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, अप्रैल मई में भी उस समय भी हमारे अस्पताल में बहुत ज़्यादा काम हुआ। और 1 अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक हमारे यहाँ 5524 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हैं और 2480 सिजेरियन ऑपरेशन हो गए हैं, और इस तरह से टोटल संख्या 8,000 से भी ज़्यादा हो गई है। प्रसव की टोटल संख्या 8,000 से भी ज़्यादा हो गई है। सीएमएस कंचन अग्रवाल का कहना है कि लेडी रॉयल में 5524 नॉर्मल और 2480 महिलाओं की ऑपरेशन से डिलीवरी कराई गई है। ये आंकड़ा 1 अप्रैल से आज तक का बताया गया है। कोरोना काल में जी जान से मेहनत करने वाले सभी पुरुष और महिला चिकित्सकों को सीएमएस ने बधाई अभी दी है। सीएमएस का कहना है कि इस मेहनत का श्रेय चिकित्सकों को जाता है जो देर रात तक मेहनत कर हॉस्पिटल में कार्य करते हैं। इसका श्रेय हमारे डॉक्टरों को और हमारे स्टाफ नर्सेस और सभी स्टाफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय में भी बहुत अच्छी तरह से अपने को बचाते हुए भी कार्य किया और बहुत निष्ठा से कार्य किया और मरीजों को किसी काम के लिए मना नहीं किया। इसके लिए हम सभी अपने स्टाफ को, डॉक्टर और सभी स्टाफ नर्सेस, सभी कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद भी देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया। सीएमएस कंचन अग्रवाल का कहना है कि लेडी लॉयल में महिलाओं के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन के बाद दवाएं भी मरीज को उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोई भी दवा बाहर से नहीं मंगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वार्ड में सिर्फ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण से बचा जा सके। सी न्यूज से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।